बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया है और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल महंगाई कंट्रोल करने की मांग की। पूर्णिया में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण ही देश के किसान परेशान हैं। लंबे समय तक चले धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए किसानों से तो माफी मांग ली, किंतु उन्हें देश के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि बढ़ती महंगाई से सारे लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही थी सारी बातें गलत साबित हुई, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे देश में और साथ ही सूबे बिहार में भी जन जागरण अभियान कांग्रेस का शुरू हुआ है और आप जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने तीन काले कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया और साथ में क्षमा याचना भी देश के किसानों से उन्होंने मांगी जो उनसे भूल हुई, और हम चाहते हैं कि देश के साथ किसानों के साथ साथ तमाम लोगों से भी वो क्षमा मांगे। जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और खाद, इसके साथ तमाम जो सरसों के तेल हैं, इन तमाम जो खाद्यान्न सामान हैं, अनियंत्रित ढंग से जो मूल्यों में वृद्धि हुई है उसके विरोध में कांग्रेस की ओर से ये आयोजित जन जागरण अभियान की आज यहाँ पर विरोध के संबंध में बैठक है। एक प्रभात फेरी भी हम निकालेंगे और जो किसान साथी हमारे आंदोलन में शहीद हुए काले कानून के विरोध में, हम उनको भी नमन करना चाहते हैं आपके माध्यम से और आग्रह करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और मोदी सरकार को कि वो सचेत हो जाएं। आने वाले समय में और भी हम इस धार को मजबूत करेंगे और जितनी भी जन विरोधी नीति केंद्र सरकार की आज तक है 7 वर्षों में उसका उद्भेदन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और जनता के हित के लिए हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, अपने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम पुरजोर ढंग से आवाज़ उठाते रहेंगे।